हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तो दोस्तों, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा खुला हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर आप जिस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया आपको कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको, जो पुराना वर्जन था उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो मेनू आइटम्स वगैरह करते थे उसको उन्होंने, जो रिबन एरिया है जो आप इसको इस बार देख पा रहे हैं, इसको हम रिबन एरिया कहते हैं, इससे रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि हम, मैंने पिछले ट्रेन के बारे में बताया लेकिन हमने इसको वर्किंग करते हुए लाइव नहीं देखा कि हम इस पर काम किस प्रकार से करते हैं। जो रिबन एरिया है, आप इसमें किस प्रकार से काम करते हैं, इसको हमने वर्किंग करते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हम जब काम करते हैं तो इसके अंदर, जैसे कि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है अपना, आप माउस कर्सर से टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए आप सीधे बस माउस कर्सर को, जो लेफ्ट कर्सर है, लेफ्ट बटन है, उसको दबाए रखें और अपने कर्सर को मूव करें तो जो भी टेक्स्ट है वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है स्टाइल्स। आप इनके नीचे इसने हेल्प जो जो रिबन है सबके नीचे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको टूल टिप दिए हुए हैं कि ये टूल एक्चुअली है क्या, जो एरिया डिवाइड किया हुआ है, जो ग्रुप ऑफ जिसके एरियाज हैं कि ये स्टाइल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, आप इनको स्टाइल्स पर मूव करता हूँ। ओ इस पर हो क्या रहा है दोस्तों, क्लिक करने के बाद जैसे मुझे क्लिक करते हैं, आप यहाँ देखिए, जैसे मैं इसको, जैसे मैं इस पर नीचे ड्रैग डाउन किया है और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, आप देखिए जैसे मैं इस पर लाया तो जो मेरा ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है वो अपने आप बदल जाता है कि हम इस पर जो कर रहे हैं वह चीजें, कि वो इफेक्ट क्या है, वह इफेक्ट सारा अपने आप, इस पर जितने इफेक्ट इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने डाल रखे हैं वो सारे इफेक्ट जो हैं अपने आप बदल जाते हैं इस पर, किसी पर भी क्लिक कर, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बिना क्लिक करे ही वह सारे जो इफेक्ट्स हैं जो आप स्टाइल्स इसके अंदर ऐड की हुई हैं यह अपने आप बदल जाती हैं। इसको हम कहते हैं विजी वीक, यानी विजी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मेरे क्लिक करने के साथ ही जो इफेक्ट है वह इस पर अप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो पहले ये स्टाइल्स क्यों करने के लिए आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो इंसर्ट मेनू है, एडिट मेनू, उस पर क्लिक करना पड़ता था, उसके अंदर स्टाइल्स पर क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद यह मेनू खुलता था, आप उसमें से कोई एक मेनू चूज करते थे और उसके बाद क्लिक करते थे और फिर ओके करते थे तो यह इफेक्ट अप्लाई होता था। अब क्या है कि दोस्तों, आपने कुछ नहीं, सिर्फ अपने जो ड्रैग ड्रॉप डाउन मेनू है यहाँ दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इनमें से किसी भी एक मेनू पर अपने कर्सर को मूव करना है, यानी आप कर्सर को हिलाते रहेंगे, मूव करते रहेंगे तो ये अपने आप जो इफेक्ट है वह अप्लाई होता जाएगा। और इफेक्ट तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आप इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको यह सिर्फ दिखाएगा कि यह इफेक्ट आपको, जो आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन किया हुआ है उस पर यह इफेक्ट दिखाई किस प्रकार से देगा। ये दोस्तों सिर्फ आपको स्टाइल्स पे ही नहीं, अगर आप फॉन्ट भी सेलेक्ट करते हैं, आपने सिर्फ साइज है, साइज मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, आप किसी साइज पे क्लिक करेंगे, या देखिए कि मैं किसी साइज पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस माउस कर्सर को मूव कर रहा हूँ और मूव करने के साथ ही यह अपने आप ही उन जो इफेक्ट है, जो साइज है पर्टिकुलर साइज पर मैं कर्सर रखा हुआ है, वह साइज अपने आप बदल जाता है। तो यह आपका जो रिबन एरिया है, रिबन एरिया को माइक्रोसॉफ्ट ने इतना कर दिया है कि आपने सिर्फ उस पर जो आपका आइकन है या जो आपका इफेक्ट है, आपने सिर्फ उस पर रखना है जो इफेक्ट आप जो चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद अगर आपने उसको चेंज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें, या अगर आपको लगता है कि नहीं और छोटा करना चाहिए, और छोटा करना चाहिए, और छोटा करना चाहिए, तो आप सीधे सीधे माउस का मूव करते रहिए, यह आपको उसका लाइव प्रीव्यू दिखाता रहेगा। जहां आपको लगता है कि नहीं, अब नाउ दिस इज ओके टेक्स्ट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और वो इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो इफेक्ट आपने देखा। इसके बाद उसमें देखिए नीचे में पिक्चर रखी है, मैंने पिक्चर पर क्लिक किया, पिक्चर पर क्लिक करने के साथ इसे बाहर मैंने क्लिक कर रखा है टेक्स्ट पे, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा, लेकिन पिक्चर पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे अपने आप एक नया मेनू ऐड हो जाता है, वो है पिक्चर टूल्स। और पिक्चर टूल्स के अंदर एक मेनू आता है फॉर्मेट का, यानी कि दोस्तों कि अगर आप पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो आप पिक्चर के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, सारी जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस आपको तुरंत ही एक नया रिबन खुल जाता है। आप जिस भी पिक्चर के साथ माइक्रोसॉफ्ट में कुछ भी, जो भी आप काम कर सकते हैं, जो भी जितना भी उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है, आप सीधे सीधे यहाँ मेनू खुल सकता है। आप यहाँ पे हाइट चेंज, विथ चेंज कर सकते हैं, इसको पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर शेप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पिक्चर के साथ जो पिक्चर स्टाइल्स हैं यहाँ भी आप सेम वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल्स से यहाँ बंद कर रहा हूँ, पिक्चर स्टाइल्स में भी आप वही चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत सारी स्टाइल शेडो की दी हुई हैं,
आप उस पर किसी भी क्लिक करके बस माउस कर्सर ले जाइए, आप यहाँ पे उन चीजों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए यहाँ ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए +40 का है, +30 का है, 20 का है, या माइनस के लाइट कम का ज्यादा करना हो तो आप यहाँ पे सिर्फ माउस कर्सर को मूव करिए और आप देखेंगे कि वो चीजें आपको तुरंत ही दिखाई देती हैं। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट का फॉर्मूला है बिल्कुल पूरी तरह से इसके अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और आप इसको अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हैं। तो रिबन की वर्किंग क्या हो, किस प्रकार से इसके अंदर होती है, इस ट्यूटोरियल में हमने आपको इसके बारे में बताया कि इसके अंदर किस प्रकार से वर्किंग की जाती है, जो आपका रिबन एरिया है इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, तो इसके बाद हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे कुछ और फीचर्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।